आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, जुग जुग जियो जुग जुग जियो। बड़ी स्वीट लग रही है, क्या बात है। मैं हूँ। तो गाइज गुड मॉर्निंग एंड दिस इज द डे 3 ऑफ आर ट्रिप, रोड ट्रिप। कल शाम को अपन पहुँच गए थे इधर धर्मकोट में। एक्चुअली अपना होटल जो है वो धर्मकोट में है और डिस्ट्रिक्ट धर्मशाला लगता है, इसीलिए सबको ये पता है कि अपन जा रहे हैं धर्मशाला, क्योंकि धर्मकोट काफ़ी लोगों को नहीं पता है। कल आ करके इतना ज़्यादा थक गए थे कि कुछ भी शूट नहीं किया। शाम को आए, नहाए धोए, थोड़ी देर रिलैक्स किया, फिर गए डिनर किए, अपन सो गए थे 10:30 बजे। आपको इधर का व्यू दिखाता हूँ अभी। सी दिस, मतलब यहाँ पे लगता है कि शाम के 6 बजे हुए हैं एट एनी गिवन टाइम। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं लेकिन फिर भी लग रहा है कि 6:30 बज रहे हैं शाम के। थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग सी हो रही है। आज मैडम को खिलाते हैं मैगी, तो बस निकल के जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। हो सकता है अपन नीचे तक जाएं धर्मशाला तक, अगर मौसम ने साथ दिया और सब कुछ स्थितियां सही रही तो। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, बहुत अच्छा नज़ारा अपनी बालकनी से। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। तो मैडम बारिश हो तो रही है लेकिन जाना तो है और चलेंगे, मज़ा आ रहा है। इधर देख के बोलो जरा। यस यस, later. So I have safely and successfully parked my bike here. अपन आए हैं McLeodganj में। McLeodganj की मार्केट का ये पार्किंग है, टैक्सी स्टैंड है। अभी बाइक लगा दी है पार्किंग में और अब जाएंगे मार्केट घूमने को। हेलमेट वगैरह साथ में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हेलमेट रखने का ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। भीड़ है थोड़ी बहुत तो है, बाकी मार्केट चलते हैं, देखते हैं कैसी भीड़ है, कैसी क्या है सिस्टम। McLeodganj की मार्केट। McLeodganj में और तो ज्यादा कुछ था नहीं, दलाई लामा टेम्पल बंद है इसलिए वहाँ नहीं जा सकते। मार्केट में अपन ने घूमा, मोमोज खाए, बस यही था। अब यहाँ से निकलते हैं बाइक उठा के, तो सोच रहे हैं धर्मशाला की तरफ जाते हैं, नीचे स्टेडियम वगैरह देख लेते हैं। वहाँ पे म्यूजियम बता रहे हैं कुछ है, वो भी अगर खुला होता है, अंदर जाने का कुछ होता है तो वहाँ भी जाएंगे। चलो फिर नीचे जाते हैं धर्मशाला की तरफ, वहाँ पे देखते हैं खाने पीने का और क्या है, और वहाँ पे इंजॉय करते हैं थोड़ी देर और। क्योंकि प्लान ये है कि अब धर्मकोट से नीचे आए हैं तो आज मैं सोच रहा हूँ नीचे वाली चीज़ें एक बार में निपटा देते हैं, बार बार रोज़ ये नीचे आने का चक्कर नहीं पालना है। फिर कल ऊपर की तरफ घूमेंगे धर्मकोट के आसपास, भक्सुना, शिवा कैफे वगैरह, यही अभी। ओके, गंज से नीचे आके अपन आ गए धर्मशाला में। और यहाँ पे आके पहले हम लोग आए हैं वॉर मेमोरियल। यहाँ पे अभी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। काफी हरियाली सी है, बहुत शांति सी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, मजा आ रहा है। सिट्टो जी, सिट्टो शिल्पी, कैसा लगा आज धर्मकोट से नीचे McLeodganj, फिर McLeodganj से नीचे धर्मशाला आकर के? मजा आया? बाइक का कैसा सफर रहा? बहुत मजा आया, बहुत बहुत ज्यादा। ये वॉर मेमोरियल कुछ खास तो नहीं था, ओके था, टाइम पास की जगह थी, शांति है, इस चक्कर में हम लोग बैठे हैं। हाँ।
ओवरऑल मतलब व्यू अच्छा है बट ग्रीन ग्रीनरी है, पेड़ पौधे लगे हैं, अमर ज्योति है, जितने शहीद हैं उनके नाम नाम लिखे हैं बुलेटिन पे। उस इधर से अब देखते हैं स्टेडियम जाते हैं धर्मशाला के, वहाँ पे देखने की बात ये कि अपने को एंट्री मिलती है कि नहीं, और सबसे मेन बात ड्रोन उड़ाने को मिलता है, ड्रोन उड़ाने को मिलता है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर ड्रोन उड़ाने को नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे नहीं यार, लेकिन अंदर जाना तो बनता है, अंदर जाना तो बनता है, चलो लेके चलते हैं अंदर। क्विक अपडेट, शाम के 5 बज गए हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट एट आर, नहीं ऑलमोस्ट लेट तो हो ही गया है, लेकिन वी आर ऑलमोस्ट अपने होटल के पास। वी डिसाइडेड कि चलो अब कुछ कुछ खा के तब रूम पे जाते हैं, थोड़ी देर चिल मारेंगे उधर, उसके बाद वापस ले आएंगे रात में डिनर करने को। तो व्हाट आर वी हैविंग, ब्रेड ऑमलेट, चाय एंड मैडम जा रहे हैं कैपुचिनो। हैप्पी? यस। एंजॉय द फूड? यस। अब इसे बंद करो तभी तो करेंगे एंजॉय। मैक्लोडगंज और धर्मशाला घूम फिर के ऊपर आए धर्मकोट में। धर्मकोट में अभी अपना लंच किया, लंच कह लो उसको या कुछ भी कह लो, अपना शाम के 5 बजे थे जो अपन ने वहाँ पे खाया, और अभी नहा धो के रूम में नहीं, रूम की बालकनी में चिल कर रहे हैं म्यूजिक के साथ, मी टाइम अस टाइम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है, आप लोग देखो अगर तो, अपनी बालकनी से बहुत प्यारा व्यू है, और सबसे प्यारा व्यू तो ये अली 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 अली। तो बस कुछ नहीं, ऐसे ही इंजॉय करेंगे, पूरी शाम बिताएंगे इधर ही बैठ के, फिर डिनर टाइम पे डिनर करने जाएंगे। कल किधर निकलेंगे, मे भी पालमपुर जाएं, यहाँ से ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर्स दूर है, 34 किलोमीटर्स दूर है, नड्डी करके एक जगह है, यहाँ से ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर दूर है बताया किसी ने, हो सकता है वहाँ पे जाएं, जो भी होगा थोड़ा सा रिसर्च वर्क करेंगे और फिर जाएंगे। आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, डे 3 अपना यहीं पे एंड करते हैं, कल क्या होगा नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दिखाएंगे, तब तक के लिए आप लोग भी इंजॉय करो, हमें भी इंजॉय करने दो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो, टेक केयर गाइस, बाय।